आप लोगों का स्वागत है। नमस्ते आप सबको, चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ। अगर आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं और आप लोग भी अपनी फ्री कुंडली रीडिंग करवाना चाहते हैं, तो आप 30 अगस्त से पहले पहले अपने भी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस, अपना नाम, दो सवाल और अपना जेंडर और चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये सारा डिटेल आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया है उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो लोग नई पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं। और जिन लोगों ने पहले देख रखा है और जो रिपीट आप फिर से कुंडली देख रहे हैं, फ्री कुंडली चार्ट रीडिंग पे आ रहे हैं और उनकी कुंडली जो रीड करवाना चाहते हैं, जिनकी रीड नहीं हो पा रही है, तो उनको रिक्वेस्ट करूँगा जी कि आप लोग रिपीट लिख के 30 अगस्त लिख के मुझे दे दीजिएगा। लेकिन 20 तारीख के बाद करिएगा, क्योंकि मेरी कोशिश रहेगी कि 20-21 तारीख तक आप लोग सबकी रीडिंग कर दूँ, जितनी भी मैं सिलेक्ट करूँगा कुंडली। और जिन जिनकी रीडिंग होगी उन लोगों को मैं लिंक उनको व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर दूँगा। बहरहाल ये कुंडली मल्लिका जी से है। मल्लिका जी, सबसे पहले सॉरी, पिछली बार आपकी रीडिंग जो करी थी उसमें टाइमिंग की दिक्कत हो गई, उस कारण आपकी रीडिंग मैंने उस टाइमिंग के हिसाब से कर दी और अब मैं आपकी एग्जैक्ट टाइमिंग के हिसाब से कर रहा हूँ। आपका जो एग्जैक्ट टाइमिंग है उसी के हिसाब से कुंडली रीडिंग अब मैं करने वाला हूँ। आई होप इस बार कोई गलती नहीं हुई है मेरे से टाइमिंग को लेके। सो सॉरी फॉर लास्ट टाइम। अब मैं आपकी रीडिंग कर लेता हूँ। मल्लिका जी, आपकी कुंडली कर्क लगन की है, जिसमें राहु पहले घर पे है, केतु सातवें घर पे है, मंगल सातवें घर पे है। आपने मुझसे दो सवाल पूछे हैं जी कि लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। मल्लिका जी, सबसे अच्छी बात तो यह है जी कि मंगल जो सातवें घर पे बैठा है वो उच्च का होके बैठा है। मंगल अपनी उच्चतम राशि में बैठा हुआ है, सातवें घर में बैठा हुआ है, लेकिन यही मंगल आपको मांगलिक बना देता है और केतु का साथ मिलने के कारण ये मंगल कुछ खास अच्छा असर नहीं देगा मैरिज लाइफ को लेके, अगर लव या अरेंज की आप बात कर रही हैं तो। हालांकि पहले मैं लव या अरेंज को लेके बात कर लेता हूँ। देखिए, चांसेस ये है कि अगर आप मुझसे ये सवाल पूछ रही हैं कि लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज, तो चांसेस ये है जी कि आपकी म्यूचुअल में हो, अंडरस्टैंडिंग हो के शादी हो। एट प्रेजेंटली आपकी शादी का चांसेस बन रहा था बाई, अगर आप देखेंगी तो आपका जो टाइमिंग चल रहा था वीनस पे मरकरी चल रहा था, जो मार्च 2023 तक चल रहा था, 13 मार्च 2023 तक था, तो उस टाइम पे अगर आपने कोई डिसीजन लिया होता तो आपके लिए बेहतर होता। लेकिन अभी केतु चल रहा है, अगर आप देखेंगी तो 13 मई 2024 तक केतु चलेगा। केतु यहाँ पे बैठा हुआ कुछ खास असर नहीं दे पाएगा, अच्छे असर को थोड़ा सा निग्लेक्ट करेगा। तो अब बात आती है कि आप लव मैरिज करेंगी, तो वीनस जब भी आता है तो ऑब्वियसली चांसेस ये बना देता है जी कि वो इंसान ज़्यादातर अपनी पसंद के लोगों से शादी करे। लेकिन आपका जो टाइम पीरियड है वो वीनस का जाता हुआ दिख रहा है और केतु का समय है, इसलिए चांसेस ये है जी कि अभी आप होल्ड पे रखें अपनी शादी को तो अच्छा रहेगा। और आपकी उम्र अभी 23 ही हुई है मेरे हिसाब से, जितना मैंने कैलकुलेट किया है तो 23 की उम्र है आपकी, 23 प्लस चल रहा है आपका, तो अभी आप होल्ड कर सकती हैं अपने आप को। दूसरा पॉइंट ये बोलूँगा जी कि अगर लव मैरिज और अरेंज मैरिज के सवाल पे पूछ रही हैं तो यहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से शादी होने के चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं, क्योंकि दसवें घर में आपके सातवें घर का प्लैनेट जाके बैठा हुआ है और अपनी दसवीं दृष्टि यहाँ पे दे रहा है। हो सकता है आप अपनी पसंद से किसी से शादी करना चाहें, लेकिन वो पसंद भी आपके घर के पसंद के, आपके सीनियर्स के पसंद की होगी, या उस पर उनका उस पॉइंट ऑफ व्यू में उस टाइम पे शायद कोई ओपिनियन ना हो, तो ऐसी सिचुएशन में आपकी शादी हो सकती है। वीनस चौथे घर में बैठा है तो कन्वीनियंस, और अपने ही घर में बैठा है तो अच्छा खासा असर दे रहा है वीनस, यहाँ पे बैठे हुए पावरफुल वीनस है। मंगल भी पावरफुल है। यहाँ पे दिक्कत सिर्फ दो तीन चीज़ों की है। सबसे बड़ा दिक्कत यह है जी कि अभी आपकी दशा जो वीनस की ख़त्म होती चली जा रही है और आप काफ़ी यंग थी, तो आपकी कई यंग एज में आपका वीनस चला जा रहा है, इस कारण जो आपकी पसंद का जो शादी का जो टाइमिंग है उस पर कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर रहा है वीनस। क्योंकि इसके बाद जो टाइम आएगा, अगर आप देखेंगी तो मई के बाद 2024 के बाद सूर्य का टाइम आएगा जो 2030 तक है, फिर मून का टाइम आएगा 2040 तक आएगा। मून देखा जाए तो पहले दसवें घर पे बैठा हुआ है, पहला नंबर लिखा है, मंगल की राशि पे बैठा हुआ है। आप पे मून उतना खराब रिजल्ट नहीं देगा, तो उस टाइम पे अगर आप शादी करना चाहे तो कर सकते हैं, या सूर्य की अंतरदशा, सूर्य की महादशा में जब मून की अंतरदशा लगेगी, जो करीबन 2025 के आसपास लगेगी, तो उस टाइम पे आप ट्राई कर सकते हैं। जब जब मून की अंतरदशा लगे या वीनस की अंतरदशा लगे तब आप ट्राई कर सकती हैं। बट मेरे हिसाब से अभी अगर आप मुझसे पूछे तो आप अभी अपने करियर पे फोकस करिएगा। रीजन बिंग, क्योंकि एट प्रेजेंटली आपको जिंदगी में कई सारी चीज़ें उतार चढ़ाव देखने बाकी है। कई बड़े, अगर आप मुझसे फुल कुंडली एनालिसिस करवाती तो मैं आपको डिटेल में ये सब बता पाता, लेकिन ऑब्वियसली वो पेड होती है तो शायद आपको वो
आप वो नहीं करवाना चाहती थी तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको इतना ही बोलूँगा जी कि यहाँ पे बैठा हुआ जो सूर्य है, जब इसकी महादशा चलेगी उस टाइम पे आपकी ज़िंदगी में कई सारी चीज़ें आपको ऊपर या नीचे होती हुई दिखेंगी कि सूर्य कुटुंब का मालिक है और आठवें छठे घर में जाके बैठ गया है, तो इससे आपकी ज़िंदगी में काफ़ी उथल पुथल होने वाली है। तो आप अगर देखें तो आपको कई सारी नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, कुछ सीरियस हो सकती हैं, कुछ सैड हो सकती हैं और कुछ सडन हो सकती हैं। तो उन सब चीज़ों से निकलने के बाद अगर आप शादी करें तो बेहतर रहेगा, लव मैरिज करें या अरेंज मैरिज करें, वो सब चीज़ें परिवार के साथ लेके चलेंगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पसंदीदा लड़के से तो आप शादी कर ही सकती हैं लेकिन परिवार के साथ रह के चलेंगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बहरहाल मैं एक और चीज़ यहाँ पे बोल दूँ, आई होप आपका पहले सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ। आपकी म्यूचुअल मैरिज अगर हुई तो अगर आप मैरिज करना चाहती हैं तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही करिएगा, फैमिली अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे करिएगा। अगर वो अगर आप नहीं भी करेंगी तो हो सकता है जी कि वो हो जाए, कोई दिक्कत की बात ना हो। ठीक है, अब बात आती है जी कि आपकी शादी कैसी रहेगी, हाउ विल बी योर मैरिज। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है इस कुंडली को देखते हुए। देखिए मल्लिका जी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जी कि शनि इस घर का मालिक है और वो दशम के 10वें घर में जाके बैठ गया, मंगल के घर में जाके बैठ गया। शनि यहाँ पे नीच होके बैठा हुआ है लेकिन मंगल यहाँ पे उच्च होकर बैठा हुआ है, तो मंगल अपना असर ज़रूर देगा यहाँ पे, पॉजिटिव असर जो मंगल का है वो ज़रूर देगा लेकिन वो मैरिज पे नहीं देगा। मैरिज को कुछ हद तक वो ज़रूर अफेक्ट करेगा अपनी तरफ से पॉजिटिव तरीके से, लेकिन वो नहीं करेगा। उसके दो रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि शनि अपनी 10वीं दृष्टि इस घर पर दे रहा है और अपना ही घर है, ठीक है, अपने घर पर शनि दृष्टि दे रहा है उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो मंगल के घर में बैठ के दे रहा है और मंगल के कारण इस कारण आपको प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आप अपने बिजनेस या काम में इतना बिजी हो या आप फोकस उस चक्कर में हो, उस वजह से आप शादी करने में शादी जिनसे करें उनके साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा ना हो। ये भी हो सकता है जी कि आप शादी ही उस पर्पज़ पर करें जी आप अपने बिजनेस या फ्यूचर को सोचते हुए या अपने वर्क को सोचते हुए शादी करें, तो इस कारण वजह शादी में डिफिकल्टी शुरू हो सकती है क्योंकि शनि पहले देगा फिर उठाएगा और फिर गिराएगा, सीधी बात ये। अब दूसरी पॉइंट तो यहाँ पे ये बनता है कि राहु की पहली दृष्टि, राहु पहले घर पे बैठा हुआ है और केतु 7वें घर पे बैठा हुआ है। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ, एट प्रेजेंटली आप अपने आप को रिच करना ज़्यादा सोचेंगे, अपने आप को मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में ज़्यादा इंडल्ज रखना कोशिश करेंगे, और जो आपके पास है, हो सकता है आपके पास अभी बहुत कुछ है, मैं कह सकता हूँ आपके पास बहुत सारा, आपके पास या आपकी फैमिली काफ़ी इन रिच फैमिली होगी या आप वेल टू डू फैमिली होगी, अगर वैसा है लेकिन आप फिर भी अपने आप को और पैसे वाला या और सर्टेन करना चाहती हैं फाइनेंशियली, इस कारणवश मैं वैसे तो रीडिंग शादी की देने वाला था लेकिन एट प्रेजेंटली ये राहु आपके लिए मेटेरियलिस्टिक पर्सनैलिटी बनाने की कोशिश कर रहा है आपको, और ये केतु आपको इन सब चीज़ों से डिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। तो हो सकता है ये है कि अगर आप शादी करें, शादी आप एक बैलेंस माइंड में करें। बैलेंस माइंड मतलब जो कि लड़का अच्छा पढ़ा लिखा हो, अच्छा पैसे वाला हो, अच्छी फैमिली हो और फाइनेंशियली स्टेबल हो, वेल टू डू हो, और आपको उसमें अपॉर्चुनिटी दिखे, इंटरेस्टिंग दिखे और आप कर लें शादी। यहाँ पे राहु वो सब दे देगा, वो सब आप पा भी लेंगी, लेकिन जब केतु आएगा, जब केतु की बारी आएगी तब यही सब आपको ऐसा फील करा सकता है जी कि फॉर इंस्टेंस राहु ये फील करवाएगा जी कि पैसा है, स्टेबिलिटी है, अच्छा अंडरस्टैंडिंग है और क्या चाहिए, पैसे मतलब वेल टू डू फैमिली से स्टेबल आदमी है, इनकम अच्छा, एजुकेशन अच्छा है, तो और क्या चाहिए। और जब केतु की बारी आएगी तो वो और क्या चाहिए का हो जाएगा, वो और वही चाहिए, ठीक है, वही मुझे चाहिए, तो बाकी सब चीज़ें नहीं चाहिए जो चीज़ें राहु दिखा रहा है। या ये भी हो सकता है जी कि वो जो बाकी सब चीज़ें चाहिए उस पे भी कॉम्प्लिकेशन की केतु क्रिएट कर दे 10वें घर में बैठ के। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू मेरा यही रहेगा जी कि पहले तो अगर आप शादी करें तो हो सक थोड़ा सा डिले करिए, क्योंकि जो मांगलिक होते हैं उनकी शादी थोड़ा डिले हो जाए तो अच्छा रहता है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है जी कि केतु के लिए अब मैं आपको इतना ही बोलूँगा कि शादी करें तो पहले आप अपने आप को सॉर्टेड कर लीजिए, अपने आप को समझ लीजिए जी कि किस हद तक आप फाइनेंशियली बैलेंस करना। अभी आप बहुत यंग हैं, आप 23+ हैं, तो 30 अगर आप जाती हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू ये है जी कि जब आप शादी करें तो फाइनेंशियल गेन को देख के मत करिएगा, क्योंकि फाइनेंशियल गेन आ ही जाएगा अपने आप ही, अगर आना होगा तो मेरे हिसाब से आ ही जाएगा, लेकिन अगर आप उसको दिमाग पर रखते हुए किसी से शादी करेंगी तो बाद में जाके आपको ये केतु कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेगा। वैसे भी पहले सूर्य की दशा लगने वाली है, फुल मून की लगने वाली है, तो इसके बाद भी जो लगेगी मंगल की लगेगी, मंगल केतु के साथ असर करेगा तो केतु का कई सारा इफेक्ट को मंगल ले लेगा। यहाँ पे आपकी बिजनेस के लिए कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन यहाँ पे आपकी पर्सनल लाइफ को लेके केतु कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेगा। इसलिए शादी करें तो इसलिए करें जी कि आपको वो लड़का पसंद। मैं हर किसी को यही एडवाइस देता हूँ, या लड़का हो या लड़की, अगर आप शादी करें तो वो पर्सन आपको पसंद होना चाहिए। कोई भी बैलेंस्ड डिसीजन मत लीजिएगा। बैलेंस मतलब ये नहीं जी कि आप कोई सोच अच्छा कोई डिसीजन ले रही हैं उसको मैं बैलेंस बोल रहा हूँ। बैलेंस डिसीजन का मतलब ये है जी कि कोई भी चीज़ आप मेटेरियलिस्टिक नीड के हिसाब से मत करिएगा। आपकी फैमिली हो सकता है अभी पुश कर रही हो, या आप फैमिली को पुश कर रहे हो बिकॉज ऑफ सम मेटेरियलिस्टिक नीड या मेटेरियलिस्टिक चीज़ों की वजह से, कि यही तो चीज़ें लोग देखते हैं आपकी कुंडली में। वो चीज़ लोग सब देखते, जो चीज़ लोग देखते हैं आपकी कुंडली में वो चीज़ होगी भी तो आपको नुकसान देगी, हो सकता है वो उल्टा हो जाए। क्योंकि जब आप घर वाले भी लड़की देखते हैं, लड़की के लड़का देखते हैं, लड़की देखते हैं, तो एक वेल टू डू फैमिली देखते हैं, एक वेल टू डू लड़का देखते हैं, स्टेबल लड़का देखते हैं। लेकिन यहाँ पे वो सारी चीज़ें घर वाले देखने के बाद भी उनको भी डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी अगर वो ढूंढते हैं, और आपको भी मिलेगी अगर आप करते हैं। तो एक जेन्युइन सा इंसान ढूंढिए जो आपको पसंद करता हो, उसके बाद जो होएगा होएगा, देखा जाएगा, ठीक है। अगर वो पर्सनैलिटी लेके चलेंगी तो शादी सक्सेसफुल रहेगा, अदरवाइज ये मंगल और केतु आपकी शादी को सक्सेस बनने में रोकेगा, ये मैं आपको बोल सकता हूँ। तो अगर आपको अपनी शादी को सक्सेसफुल बनाना है तो इन दोनों चीज़ों को फोकस करिए। केतु का उपाय कर सकते हैं, गणेश जी की पूजा करिए, हो सकता है आपको कुछ बेनिफिट मिल जाए। तो ये मेरी रीडिंग थी आपके लिए, आई होप आपको पसंद आई हो।